अभी अभी जो बात होने गई थी बात होनी तो आपको यहाँ मिल जाएगा, हर एक वर्ग से जुड़ा विद्यार्थी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आए दिन बीते 3-4 दिनों में ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे ये पढ़ने वाले छात्र जो कम से कम लाइब्रेरी में 8 से 10 घंटे का समय देते हैं, 3 से 4 दिनों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरनारत हैं, इनकी कोई भी मीडिया कोई भी प्रशासन बात नहीं सुन रहा है। और जब चौथा स्तंभ इनका बात नहीं सुन रहा है, तो सोशल मीडिया का प्रयोग और तमाम अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में मेरा ऑनलाइन पोर्टल है और हमारे बात करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे और यहाँ जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर रहे लक्ष्मण जी हमारे साथ हैं। आइए फिर सिलवार इनसे बात करते हैं कि यह प्रमुख मुद्दा कहाँ से फूल पकड़ा और प्रमुख मुद्दा क्या है। यहाँ पर वो नेहरू बिहार ही रखा है और नेहरू बिहार में देश के कोने कोने से हजारों किलोमीटर दूर से छात्र युवा अपने घर को छोड़ करके हम जैसे लोग जो अभी गांधी बिहार में रह रहे हैं, नेहरू बिहार में रह रहे हैं, मुखर्जी में, पहला सवाल ये है कि रूम रेंट पिछले 3-4 वर्षों में कम से कम 5 गुना बढ़ गया है और उसमें दलाली करने वाले जो प्रॉपर्टी डीलर है वो उसका आधा दलाली में ले लेते हैं। तो मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर का एक ऐसा नेक्सस बना हुआ है जिसका प्रोटेक्शन यहाँ का लोकल प्रशासन करता है। अब उदाहरण कि अनकंट्रोल्ड किराया, अनकंट्रोल्ड प्रॉपर्टी डीलर की दलाली और उसके बाद हर कमरे से लैपटॉप मोबाइल पैसे रुपए और अभी आप यहाँ छात्र बैठे देखिएगा टी शर्ट तक चुरा ले गए रास्ते की जाती। 900 मुकदमे RTI से यह पता लगा है कि एक साल में 900 मुकदमे तिमारपुर थाने में केवल नेहरू बिहार से चोरी के एक्शन और उसमें से एक मुकदमे पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब हद इस बात की हो गई है कि ये जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी वाले छात्र आए हुए हैं ये लोग अपने अपने कमरों में रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब तक चोरियों को इन्होंने नजरअंदाज किया, दलालों की दलाली को उन्होंने दिया अपने जेब से, माँ बाप से झूठ बोल करके ये पैसा इतना किराए में दे रहे हैं। लेकिन जब ये हो गया है कि फिजिकल अटैक 3 दिन पहले एक छात्र के ऊपर केवल 22 टच हुई और उसको मारा गया और लगातार यहाँ पर छात्र इकट्ठे हुए कि भाई बाकी सब तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन आप हमारे अस्तित्व के ऊपर अब हमला कर रहे हैं। इसलिए ये जो हिंसा है, चोरी है और इन दलालों की डकैती है जिसको यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्ट कर रहा है उसके खिलाफ ये छात्र यहाँ इकट्ठा हुए और इनमें कोई नेता नहीं बताइए भैया दर्द सुनिए और देखिए कि हमारे छात्र बैठे हुए यहाँ सारे छात्र यहाँ पर तलवार लेके घूम रहे हैं सब। मैं चाहूंगा पुलिस क्या आरोप है।
पकड़ लिया था इसलिए ये है। और इस